सैट इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज और इसकी आईपीओ लाने की तैयारी और इस पर बातचीत के लिए कंपनी के हेड ऑफ स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव्स तैहूम बंदूकवाला ने कहा कि अगले 5 साल में शानदार ग्रोथ की उम्मीद है। जरा आपको उनकी ये बातचीत सुनवाते हैं। सैट इंडस्ट्रीज अभी एक 38 इयर्स यंग डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है। कंपनी का प्रेजेंस 100 कंट्रीज में ज्यादा है एक्सपोर्ट्स के थ्रू और ओवरसीज ऑफिसेज है यूएई और लंदन में। कंपनी अभी का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में है, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स बनाते हैं और अपनी सब्सिडरीज के थ्रू भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस बनाते हैं और सा पॉलीमर्स में हम बल्क पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कंपनी का एक डिवीजन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता है। कंपनी ने 125 प्लस स्टार्टअप्स का एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाया है। हम सीड और रिलीज स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं और हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही प्रोसेस ड्रिवन होता है, जिस वजह से हमारा सक्सेस रेट भी इंडस्ट्री में काफी अच्छा है। इस बिजनेस से जनरेट होने वाला रिटर्न जो है हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से भी ज्यादा होता है। अब ग्रोथ आउटलुक की अगर मैं बात करूं सर, तो पिछले कितने सालों में हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 102 करोड़ के रेवेन्यू से 482 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और नेट प्रॉफिट 7 करोड़ से 45 करोड़ तक पहुंचाया। हम आने वाले 5 सालों में भी इससे बेटर ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है क्योंकि ये 2 पार्ट्स में ड्राइव होता है। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस से कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेट होता है और दूसरी साइड हम हाई वैल्यू क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। कंसिस्टेंट कैश फ्लो बिजनेस को एक अच्छी ग्रोथ देने के साथ साथ नई बाउंड्रीज एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है और साइमल्टेनियसली हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स हमें कंपनी के शेयर होल्डर्स को अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। तो यदि खास